अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबका क्या हाल है? सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। गाइस के दांत देखा, दांत टूट गया और जबान कर रही है, यहाँ से हवा भी आती है कभी कभी दांत से। और ये देखा, ककोर आंटी वहाँ से बोरा नॉली आई है, इसका नाम है नूरल, नहीं है नहीं नूरल आंटी, उसके दांत देखे, दांत देखो, दांत टूट गए इसके। चले गाइस, आज हम लोग माशाल्लाह मक्का जा रहे हैं, माशाल्लाह मेरे मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग वहाँ पे भी खाना, घर से बोलने दो कि मानूर और नूरी भी खाना खाएंगे, तुम लोग को पता है ज़्यादा। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मतलब खाना लेके जा रहे हैं यहाँ से, विभिन्न लोगों ने कन्फ्यूज़ कर दिया है। माशाल्लाह घर में हमने बिरयानी बनाई है, उसके बाद और बहुत बहुत चीज़ें बनाई है माशाल्लाह। तो हम लोग अभी बनाया, मतलब थोड़ा सा रह गया और भी काम, बहुत अच्छा, उसको अभी निकलने दो। फिर उसके बाद निकलते गाइस, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं मक्का की तरफ। चल आपको दिखाते हैं क्या क्या रेडी हो गाइस। ये बिरयानी के लिए चावल, मैं सुना बिरयानी रेडी होगी, लेकिन उसके चावल भी पड़े, आई थिंक सो उसको दम पे डालेंगे। पता नहीं क्या मुर्गी, पता नहीं कहाँ गई मुर्गी, तो यहाँ दी एक और आपको दूसरे घर लेके जाते हैं, अभी तो तैयारी हो रही है गाइस। ये देखो गोश्त है, गोश्त आलू, और ये चावल, इधर भी चावल पड़े हैं, ये भी बिरयानी के लिए ज़्यादा बनते हैं माशाल्लाह। और ये है आई थिंक सो मीठे चावल, जर्दे वाले। चले गाइस फिर रेडी होते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। मैं सुना सब कुछ रेडी होगा, लेकिन रेडी है ना, दांत वाले काम के गायब हो गए। आज नूरी ने आइसक्रीम दी है और खा रहा हूँ, और मानो भी खा के देखा, यम्मी, बर्गर भी खा रहे हैं गाइस, चिकन पड़ा हुआ आया है, गिरने लगा था, सब कुछ रेडी होने लगा है। फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह मक्का, है ना। चलो मैं मानूर आया क्योंकि गाड़ी में सीटें लगाना, मतलब ये नीचे करनी थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी साथ जा रहे हैं मक्का, हम सब जा रहे हैं माशाल्लाह मक्का। तो चलें एक वीडियो बना ही लेते हैं ऐसे, 1 2 3। देखे गाइस रेडी हो गया है ना मनोर। चलें गाइस, अब सामान रख दिया हम लोगों ने, ये बाकी चीज़ें भी चाहिए हमें, चटाई वगैरह सब चाहिए, टिशू चाहिए था, पानी चाहिए था एक्स्ट्रा, तो लेके चलते हैं। बंद नहीं हो रहा तुमसे, देखो क्योंकि जगह नहीं है, हटो हटो, 1 2, बंद हुआ नहीं हुआ। चलें गाइस हम निकलते हैं, निकलते मतलब कि गाड़ी आगे खड़ी करते, घर के सामने खड़ी करते हैं। चले क्योंकि गाइस हम लोग अभी, क्योंकि घर में भी खाना नहीं बना, थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा चलो तब तक हम लोग गाड़ी में गर्म करता हूँ, क्योंकि गाड़ी कब से हो गई स्टार्ट नहीं की। तो मैंने कहा अभी निकलते, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे बात करते हैं घर में जाके। गाइस मैं घर में आ गया, वाओ रेडी हो गया गाइस। चले गाइस अभी हम निकलने वाला काम करते हैं, आपसे इंशाल्लाह शायद गाड़ी में बात करेंगे। चले आ रहे हैं मक्का के रास्ते में, हम लोग रेडी हो गए थे सब, और ये देखें गाइस पीछे लाइटें मारे, पापा उसको बोल रहे हैं, बाद में बोलेंगे मुझे, बोल रहे नहीं मानू, इधर आओ व्लॉग में, आओ व्लॉग में आओ, ये देखो मानू, मानू की दांत दिखाओ। चले गाइस हम लोग रास्ते में, गाइस देखिए कितना रश है, हम लोग को 10 से 20 मिनट हो गए, वो देखे गाइस कितना रश है। कर दिया मक्का माशाल्लाह, पहुंच गए थे आप देख सकते हैं। तो ये होटल है, बस यहाँ गाड़ी खड़ी की और अंदर जा रहे लिया था, चाय पी ली थी, उसके बाद हम चाय भी देखी होगी। और अभी बस हम लोग अभी निकल लगे हैं, क्योंकि रात के 1 बज गए, और जब तक हम निकल लगे आपसे बात करते हैं रास्ते में या कल जाके। चले आज हम लोग मक्का से डायरेक्ट आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हम लोग घर आ गए, समझो कितने बजे, बहुत था ना 12-1 बज गए 2 बज गए थे आते आते। तो हुआ ये है कि जैसे ही अभी घर पहुंच ही रहे थे कि सहरा की बहुत बुखार चढ़ गया, हमने चेक किया उसको, बहुत बुखार चढ़ गया, वो कहती थी हॉस्पिटल जाना, बहुत सख्त बुखार था उसको। 2 दिन पहले बुखार हुआ था, तो उसको दवाई दी थी खाने के लिए, क्योंकि उसके टॉन्सिल्स ज़्यादा है ना, तो दवाई दी थी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने, तो ठीक हो गई थी थोड़ी सी। अभी जाने के टाइम मैंने बोला था कि तुम्हें जाना मक्का तो बताओ, वरना मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ बेटा, तो कहती नहीं मैं साथ चलूँगी, उस समय थोड़ा सा बुखार था, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन फिर पता लगता है सफ़र की वजह से वहाँ पे गए, फिर वहाँ खाना खाया, फिर वहाँ से वापस बहुत लेट आए, उसकी वजह से उसको बहुत बुखार चढ़ गया। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे, उस घर वालों को उतारा सबको, ठीक है, सिर्फ नूरी वगैरह सब बच्चे हमारे साथ ही हैं, साथ सहरा की अम्मी और अब्बू, साथ सोहेल भाई इधर ही हैं। तो अभी हॉस्पिटल में आए हम लोग, आए घर के पीछे ही था हॉस्पिटल, तो बस अभी गाड़ी ये खड़ी की है, गई अंदर, बस अल्लाह ताला सेहत दे सहरा को, देखते क्या करते हैं, अभी ड्रिप लगाएंगे या क्या करेंगे मुझे नहीं पता गाइस। बस बाकी ये मैं देख रहा था गाड़ी का कोई स्टिकर निकल गया, पता नहीं क्यों निकला है,
लाइटों पे स्टिकर लगा होता है। चलो गाइस बंद बात करते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ, देखें सारा बेचारी बीमार है। ये देखें ड्रिप लगी है इसको, दो दो ड्रिपें लगी हैं इसको, अभी दो ही चल रही है ना, या एक है। पहले ये ख़त्म होगी फिर उसके बाद ये चलेगी, है ना सर? चलो हम अभी घर जा रहे हैं। नहीं जाओगी तुम घर? मैं मायरा और मानूर को छोड़ आता हूँ मैं घर में, देख रहे हैं चल। फिर आपने देखा सारा बेचारी को बुलाई है, इन दोनों को उतारना है अभी घर, घर छोड़ाता हूँ क्योंकि मेरे मम्मा पापा घर में ही हैं, तो उसको उन लोग को देख लेंगे फिर आपसे बात करते घर जाके। मैं बस सो गया था यहीं पे, पूरे एक घंटे बाद आपसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सो गया था मैं, और अभी जाके देखता हूँ अंदर क्या हुआ है, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता इतना देर क्यों लग गई, एक घंटा हो गया, होने लगे एक घंटा पूरा। अभी चलते गाइस अंदर, देखते कितनी ड्रिप रह गई है। पता गाइस तो सोया भी नहीं हूँ मैं, तो रेस्ट भी नहीं हुई मेरी, भी पता मक्का से हैड रख चले गए, तो चलते अभी आपसे अंदर जाके बात करते हैं। देख सकते हैं बस इतनी ड्रिप रह गई है, अभी भी देखिए इतनी सी रह गई है। तो बाकी बच्चों को बताया कर, शायद मैंने आपको छोड़ा है उन्हें या नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि बाकी बच्चों को बताया हाँ शायद छोड़ा है, क्योंकि मैं नींद में था मुझे पता नहीं है, बोला नहीं बोला, बाकी को छोड़ा है। तो बस सुहेल भाई इधर ही थे और उसकी मम्मा इधर ही थी। यह है दूसरा दिन, तो आज हम लोग आए हैं, मैं जा रहा हूँ दाढ़ी को सेट कराने के लिए, तो मैं चलते क्योंकि बाल तो सेट नहीं कराने, बाल सब आ रहे हैं और साथ देखें कौन है, नूरी भी आ रही है, और फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह गाड़ी बोल रहा हूँ घर जाके, उधर नाई के पास जाके, घर के पास ही। गाइस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया बिल्कुल, सर की मालिश भी करवाई थोड़ी मैंने, और नूरी भी थक गई है, मैं बोल रहा हूँ बैठ जो बैठती नहीं है, तो सर की मालिश भी कराई है, फ्रेश हो गया कसम तेल की मालिश, आय हाय हाय जो मज़े की मालिश करते ना इस जगह में, ओहो सर की टॉप क्लास। चलो गाइस मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एंड नूरी को दो तीन थप्पड़ मारें, चलो।